शहर के सटवा माता मंदिर क्षेत्र के व्यस्तम इलाके के केशव लॉज में 27 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला उजागर होने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धापीवाड़ा निवासी अजय पड़ते की उम्र 27 दोपहर 3 बजे के करीब अपने साथी युवती के साथ अपने मोपेड क्रमांक MH40BN5541 से पहुंचकर केशव लॉज के कमरा नंबर 102 में रुके करीब 4:30 के लगभग अचानक युवती ने केशव लॉज के काउंटर पर पहुंचकर मैनेजर से युवक की तबीयत खराब होने की बात कही। वहीं लॉज के मालिक अनिल करारे और मैनेजर ने कमरे में जाकर देखा तब तक युवक की मौत हो गई थी। उन्होंने घटना की जानकारी सावनेर पुलिस को दी। सावनेर पुलिस के API सतीश पाटिल अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर आगे की जांच जारी है। हमारे स्थानीय संवाददाता ने घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी लेने से पता चला कि मृतक अजय पड़ते की पांडुना निवासी 23 वर्षीय युवती के साथ पहुंचता है केशव लॉज के कमरा नंबर 102 में पहुंचकर शायद शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसकी अचानक मौत होना अनेक सवाल खड़े कर जाती है। क्या शारीरिक संबंध बनाने पूर्व उसने कोई नशीला पदार्थ सेवन किया या शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने हेतु व्याग्रा या अन्य उत्तेजित दवाइयां या अन्य पदार्थों का सेवन किया या उसके साथ कुछ अनुचित घटित हुआ, यह शव विच्छेदन और पुलिस की जाँच में स्पष्ट होगा। लेकिन क्षणिक सुख के लिए एक युवक की जान चली गई। इस प्रकार के हादसे और ऐसे हादसे इससे पहले भी उजागर होकर अनेकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शहर के लिए कुख्यात बनते जा रहे लॉज संस्कृति पर अनेकों बार बोलो जाता है, लेकिन तकनीकी आधारों पर लॉज संचालक बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। केशव लॉज के कमरा नंबर 102 में हुए युवक के संदिग्ध मौत के हादसे की सावनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में API सतीश पाटिल आगे की जांच कर रहे हैं। हादसा क्यों और कैसे हुआ ये शव विच्छेदन रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।